आपका क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 6x² - 5x+1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है पॉलीनोमियल, दैट इज योर 6x² - 5x+1। ठीक है, अभी आपका जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का एक रिलेशन है वो आपको लिखना है, तो ये ही हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस। तो वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर आप इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो दैट इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए इज 6, बी इज -5 एंड सी इज 1। ये वाली वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और बी हमारा है -5 बाई 6, दैट इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब सेकेंड आपका क्या होता है जीरोस, क्या होता है जीरोस का प्रोडक्ट, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी कितना है देखो आपका 1 और ए इज 6 तो 1/6 हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो अलग अलग वैल्यूज आ गए, एक सम एक प्रोडक्ट। यहां पर इसमें बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऐसा तो कोई हमारे पास में आइडेंटिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये देखो क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आपका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है ये वाली, तो आप क्या करेंगे इसको इस साइड में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, तो देखो क्या हो रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट मीन्स 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इज 1/6। तो ये हो गया आपका 25/36 माइनस, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। यहां पर एलसीएम ले लो तो एलसीएम इज 36, तो ये हो गया 25-12 दैट इज इक्वल टू 36 दैट मीन्स 12 यस, तो ये हो गया आपका 13/36। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 13/36। अभी आपको प्रोडक्ट, ये आपका सम हो गया, प्रोडक्ट भी निकालना है क्योंकि रूट्स आर दिस नाउ, तो ये आपका क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/36। ठीक है,
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट रूप से बनाने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। That is equal to zero. ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू आपको डालनी है। तो देखो क्या आ रहा है, x square minus sum of zeros, sum of zeros alpha square और beta square के क्या है 13/36। तो ये आ जाएगा 13/36 x and product of zeros क्या है आपका 1/36। तो यहां पर LCM ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो इधर आंसर आएगा आपका 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इंटू 0 इज 0। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो इसको चाहिए पॉलिनोमियल वो आपको यहां से यहां तक ही लिखना है। तो वी कैन से इट्स 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। तो ये आपका आंसर होगा।